एक तरफ तो हम आजादी का जश्न मना रहे हैं, हर घर तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में बंगाल में क्या हो रहा है? वहां बेटियां अपने इंसाफ के लिए आधी रात को सड़कों पर उतरी तो गुंडों ने अटैक कर दिया। बॉस, उस अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी गई जिस अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई। मतलब लोग अभी उस क्रूर और निर्मम रेप और मर्डर कांड से उभर ही नहीं पाए हैं। जो लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनकी आवाज दबाने का प्रयास हो रहा है। अब गुंडे भेजकर क्या सबूत मिटाने की कंप्लीट साजिश हुई? कौन थे वो लोग जिन्होंने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में गुंडे भेजे? ये सब आपको आज डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस सुबह आजादी का जश्न पूरा देश मना रहा है, उस सुबह से पहले की रात इसी देश के एक शहर में कैसे अन्याय की काली रात बन गई। और यह सब उस राज्य में हुआ जिसकी मुख्यमंत्री दिन रात उठते बैठते नरेंद्र मोदी को कोसती हैं कि मोदी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, जबकि उनके राज्य में कल रात जो हुआ वो लोकतंत्र था क्या? वो तो कोई सोच भी नहीं सकता। जिन नरेंद्र मोदी के बारे में इंडी गठबंधन ये कहता है कि उनसे देश नहीं संभल रहा, उस इंडी गठबंधन से एक शहर की कानून व्यवस्था तो संभल नहीं रही। जिस नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन महिला सुरक्षा पर कोसता है, उनके अपने राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जिस नरेंद्र मोदी को इंडी गठबंधन तानाशाह बताता है, उस इंडी गठबंधन से जुड़े एक राज्य में ऐसी तानाशाही टाइप की स्थिति चल रही है कि मीडिया को खुले तौर पर लीगल नोटिस से धमकाया जा रहा है। बॉस, अगर आपको अपनी छवि की इतनी ही चिंता होती तो कोलकाता में वो नहीं हुआ होता जो कल रात हुआ। मीडिया को टारगेट करके कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या सोच रहे हैं कि हम खबर नहीं दिखाएंगे तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा और हो जाएगा मामला शांत? मतलब लोग अब जो है वो न्याय की आवाज भी बुलंद ना करें? कोलकाता में जो हुआ उससे पूरा देश सकते में। लोग अभी तो इसी शॉक में थे कि अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर से इतनी घिनौनी वारदात कैसे हो गई। अब दूसरा शॉक यह लगा कि अस्पताल पर गुंडों की भीड़ ने हमला कर दिया। कोलकाता की घटना पर आज प्रधानमंत्री मोदी भी अपना दुख जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। पीएम मोदी ने इस घटना पर अपनी पीड़ा जताई, दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। लाल किले से पीएम मोदी ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा, पहले कोलकाता की बात करूंगा। एक बार देखिए कल रात जब पूरा देश आजादी की सुबह का इंतजार कर रहा था, तब कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हो क्या रहा। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज पर अचानक से हुआ हमला बहुत हैरान करने वाला है। कल रात कोलकाता में क्या हुआ, पहले इसकी पूरी डिटेल सुनिए। दरअसल महिला डॉक्टर से हुई घिनौनी वारदात के बाद से वहां के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे। डॉक्टरों ने अस्पताल के परिसर में ही एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया जहां ये लोग धरना दे रहे हैं। कल रात भी डॉक्टर्स ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। कल रात कोलकाता में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठन के लोग न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए उतरे। जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा था और ज्यादातर जगह यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। रिक्लेम द नाइट और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए यह प्रदर्शन अलग अलग जगह पर चल रहा था। लेकिन अचानक से रात 12 बजे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है। शुरू में ये लोग भी वी वांट जस्टिस के नारे लगाने लगते हैं। सबको लगा कि ये लोग डॉक्टरों के साथ हैं, इसलिए आए हैं प्रदर्शन करने। अंदर अस्पताल परिसर की बाउंड्री के जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें धीरे धीरे इस प्रदर्शन में कुछ गड़बड़ी लगने लगी। डॉक्टर ये समझ चुके थे कि ये लोग प्रदर्शनकारी तो नहीं। डॉक्टरों ने पुलिस से इसकी शिकायत की कि बॉस ये लोग कौन है हम नहीं जानते, आप देखिए इसको, और कहा पुलिस से कि जो बाहर भीड़ खड़ी है उसे हटाइए। लेकिन बंगाल पुलिस उन्हें हटा नहीं पाई।
कुछ ही देर में यह भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उसने गेट और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। अस्पताल के अंदर आ गई भीड़ और भीड़ का पहला टारगेट डॉक्टर्स का प्रदर्शन स्थल बना, जिसे हथौड़े और डंडे से बुरी तरह तहस नहस किया गया। इसके बाद यह भीड़ उस 7 मंजिला बिल्डिंग में घुस गई जहां महिला डॉक्टर से घिनौनी वारदात हुई। उग्र भीड़ ने ग्राउंड फ्लोर पर इमरजेंसी वार्ड को निशाना बनाया, महंगे महंगे उपकरण तोड़ दिए। भीड़ अस्पताल की 3री मंजिल तक पहुंच गई, खूब तोड़ फोड़ हुई। यह उग्र भीड़ उस 4थी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई जहां सेमिनार रूम है, जो क्राइम स्पॉट है। ऐसा दावा है कि 3री मंजिल का गेट बंद था, वो टूटा नहीं, इस वजह से भीड़ वहां तक नहीं पहुंच पाई। करीब 1 घंटे तक यह सब तमाशा चलता रहा। फिर पुलिस बल ने इन उपद्रवियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया। क्योंकि अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, इसलिए उस वक्त इमरजेंसी वार्ड में कोई मरीज नहीं था। इस पूरी घटना में कई डॉक्टर घायल हुए हैं। करीब 15 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिन्हें गंभीर चोटें आई। घायलों में एक आईपीएस अधिकारी और चौकी इंचार्ज भी शामिल। अब सवाल यह उठता है, यह भीड़ आई कहां से? इसने यह हमला किया क्यों? पुलिस वहां पर थी, वो इस भीड़ को रोक क्यों नहीं पाई? भाई पहली घटना जब घटी, चलिए आप कह सकते हैं अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार है, वहां की सिक्योरिटी जिम्मेदार है, पुलिस उस वक्त वहां तो नहीं हो सकती। बाद में जो पुलिस ने किया उसको लेकर सवाल भले खड़े हो जाए, लेकिन वहां जब यह सब हुआ तब तो पुलिस वहां थी। और इतना सब कुछ हो गया, अब यह समझिए कि क्यों कोलकाता में जो कुछ हुआ वो अचानक फूटा लोगों का गुस्सा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश कही जा रही है। और ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बात तो यह कि कोई भी भीड़ अस्पताल पर हमला क्यों करेगी? भाई भीड़ का क्या लेना देना अस्पताल से? भाई मान लीजिए डॉक्टर से नाराज है कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, तो डॉक्टर से भिड़ेंगे, उनका जो एरिया है वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे। 4थी मंजिल तक जाने का, 3री मंजिल तक जाने का प्रयास क्यों करेंगे? अंदर अस्पताल में क्यों तोड़ फोड़ करेगी भीड़, बताइए जरा। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि यह भीड़ अस्पताल में सबूत मिटाने के लिए तो नहीं घुसी थी। भीड़ के पास डंडे हथौड़े थे, यानी पूरी प्लानिंग के साथ हमला हुआ क्या? हालांकि बंगाल पुलिस का दावा है कि भीड़ क्राइम स्पॉट तक नहीं पहुंच पाई। क्राइम स्पॉट बिल्कुल सुरक्षित है और इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की बात नहीं उठती। ठीक है, सबूत से छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन भीड़ गई किस लिए थी, यह सवाल तो उठेगा। हालांकि पुलिस की इस थ्योरी पर भी 2 सवाल उठते हैं। पहला तो यह कि भीड़ सबूत मिटाने के इरादे से नहीं आई थी, तो फिर क्या ये लोग अस्पताल का औचक निरीक्षण करने आए थे क्या? भीड़ के अस्पताल पर हमला करने का एक ही मोटिव हो सकता है, सबूतों को मिटाना। दूसरी बात, भीड़ क्राइम स्पॉट तक गई नहीं या जाने में नाकाम रही, दोनों अलग अलग बातें। क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि उग्र भीड़ 3री मंजिल तक पहुंच गई थी, वहां गेट बंद था, इसलिए 4थी मंजिल तक नहीं जा पाई। अस्पताल पर अचानक हुए इस हमले से एक और सवाल तेजी से चर्चा में आ रहा है कि क्या इस अस्पताल में कुछ ऐसा हो रहा था जिसे स्थानीय प्रशासन किसी हालत में सामने नहीं आने देना चाहता? यानी अभी उस पीड़ित डॉक्टर के साथ जो क्रूर रेप और हत्या हुई, उसके सवालों के जवाब मिलने बाकी ही हैं और कई सवाल खड़े हो गए। सबसे जरूरी बात यह भी है कि जिस दिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सीबीआई की टीम आई, जिस दिन सीबीआई ने जांच शुरू की, उसी दिन रात को अस्पताल में सुनियोजित हमला कैसे हो गया? यह सिर्फ इत्तेफाक है। अभी तक जब तक सीबीआई ने जांच शुरू नहीं की, पुलिस जांच कर रही थी, भाई डॉक्टर तो पहले भी प्रदर्शन कर रहे थे, तब यह भीड़ क्यों नहीं आई? जिस दिन सीबीआई पहुंचती है, जिस दिन सीबीआई जांच शुरू करती है, उसी दिन एक भीड़ आ जाती है और हमला कर देती है, तो पब्लिक पूछेगी नहीं कि यह साजिश है, यह चल क्या रहा है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में किस तरह से हमला हुआ और गुंडों ने कैसे तोड़फोड़ की, उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो बड़ी डरावनी है। रात करीब 12 बजे आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट को रिक्लेम द नाइट का नाम दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर्स के रेप और मर्डर के विरोध और इंसाफ की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस दौरान वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे थे। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान सैकड़ों दंगाई वहां पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू। सबसे पहले दंगाइयों ने आरजी मेडिकल कॉलेज में लगाए गए पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। दंगाइयों की भीड़ अपने साथ लाठी डंडे हथौड़े लेकर आई थी। पुलिस की बैरिकेडिंग को दंगाइयों की भीड़ ने कुछ ही देर में तोड़ दिया। वहां मौजूद पुलिस दंगाइयों को रोकने में नाकाम थी। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद उसके बाद हमलावरों ने डॉक्टर्स के धरना स्थल को निशाना बनाया। डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के विरोध में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पिछले 6 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे।
मेडिकल कॉलेज के अंदर ही एक जगह पर कुर्सियां और टेंट लगाकर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दंगाइयों की भीड़ ने उस जगह को भी तोड़ दिया। जो हाथ में आया उसे दंगाइयों की भीड़ तबाह करती चली। कल रात हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पताल के डॉक्टर नर्स सदमे में हैं। वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। नर्सेस को कहा तो बंगाल पुलिस से भरोसा उठ गया। नर्सेस की मांग है कि सेंट्रल फोर्स तैनात हो, तभी वो नाइट ड्यूटी करेंगी। सुनिए वो क्या कह रही है। भाई अभी तक तो बात नहीं कर पाए, एक्चुअली मैं पीछे थी ना, सुन नहीं पाई। ये बात तो जा रहा है बात करने के लिए। हम लोगों का डिमांड है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, तभी हम लोग नाइट ड्यूटी में आएंगे या ड्यूटी करेंगे। ठीक है, नहीं नहीं वैसा कुछ डिमांड हम लोगों का डिमांड है जो हम लोगों को जो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए हमारे सेंट्रल फोर्स डिमांड है। आर्म फोर्स वेस्ट बंगाल का पुलिस अपदार्थ है, वर्थलेस पुलिस। हम लोगों को कल प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, कल रात को हम लोग इनसिक्योर था। सुरक्षा का बहुत ही जरूरत है हम लोग को। हम लोग नाइट नहीं कर पा रहे हैं, कोई ड्यूटी करना मुश्किल हो गया है। सेंट्रल फोर्स का डिमांड आप लोग कर रहे हैं? हाँ, हम लोग का डिमांड है, अगर वो नहीं होगा तो हम लोग को ड्यूटी करना मुश्किल है। अभी तो वो बंगाल की पुलिस पर इतने गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां बंगाल के लोग कह रहे हैं वर्थलेस पुलिस, किसी काम की नहीं है ये पुलिस। हमको सेंट्रल फोर्सेस आएंगी तभी हम नाइट ड्यूटी करेंगे, ये नर्सेस कह रही हैं। वो तो कहेंगी जब इस तरह की घटना हो जाएगी, पुलिस के रहते हुए कौन भरोसा करके आएगा कि कल को ये नहीं होगा, फिर इसकी गारंटी कौन लेगा। रात को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों उपद्रवियों ने हमला किया था। इस दौरान का एक वीडियो आपको दिखाता हूं, जो एक डॉक्टर ने ही बनाया। इस वीडियो में वो डॉक्टर भीड़ दिखाते हुए बता रहा है कि हजारों लोगों ने हमला कर दिया है और सब कुछ तोड़ा जा रहा है। वो आदमी ये भी कह रहा है कि क्या ये सब कुछ सबूत मिटाने के लिए किया जा रहा है। सुनिए एक बार कि वहां पर क्या हुआ, इस वीडियो में क्या दिख रहा है, फिर आगे की बात बताऊंगा। हम लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। यहाँ का कोई भी जो नॉर्मल पुलिस है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये लोग हजारों के संख्या में मॉब आया है, जो यहाँ का जो भी इन्वेस्टिगेशन की जगह पे सैंपल होना चाहिए उसको टैम्पर करने के लिए ये लोग आए हैं। इसके बाद दंगाइयों ने इमरजेंसी विभाग को निशाना बनाया। ये सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे पहले से योजनाबद्ध तरीके से लोग आए, क्योंकि इमरजेंसी विभाग में ही डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और उसका मर्डर किया गया। इमरजेंसी वार्ड के चौथे फ्लोर पर सेमिनार हॉल है जहां ये जघन्य घटना हुई। हमलावरों की भीड़ ने इमरजेंसी वार्ड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इमरजेंसी वार्ड का सारा सामान बर्बाद कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी तोड़ दिया गया, बल्ब पंखे फ्रिज दवाएं बेड कुछ नहीं छोड़ा इस भीड़ ने। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे, कोलकाता जैसे शहर में, मतलब कोई बंगाल का ऐसा आउटस्कर्ट्स का इलाका नहीं है, कोई बहुत ग्रामीण इलाका नहीं है, कोलकाता इतना बड़ा शहर और इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में पुलिस के सामने वहां रहते हुए इस तरह से हमला हो गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। सुनिए मेडिकल कॉलेज का गार्ड क्या बता रहा है, फिर आपको वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाता हूं। कोशिश किया पुलिस, कोशिश किया हम लोग, कोशिश किया हम लोग, दो बार आदमी थे, पुलिस भी थे, वो लोग ये गेट कर तोड़ दिया और हम लोग यहाँ पर गिर गया। वो लोग इतना लोग है, एक साथ में 100 आदमी घुस गया अंदर में, 100 आदमी घुस गए एक साथ में, और पूरा इमरजेंसी को तोड़ गए। वो लोग का टारगेट ही था इमरजेंसी तोड़ने का, हम लोग को कोई मौका ही नहीं मिला उस लोग को साथ कुछ करने का। जला भी दिया है, हाँ जला दिया, चेयर प्यार सब भांग दिया, टॉप से मारा गया, जो मिला उसको मर गया। और हम लोग का पास तो कोई लाठी भी नहीं था उस टाइम में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विभाग में शायद ही कोई चीज हो जो न टूटी हो। उड़दंगियों ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। सोचिए आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की क्या हालत होगी। बॉस, हमारी टीम हंगामे के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां जो हालात थे उसे अपनी रिपोर्ट में कैप्चर किया। देखिए रात 2 बजे वहां क्या हालात थे। इमरजेंसी विभाग से तमाम चीजें बाहर निकाल दी गई। यहाँ पर किस कदर यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया है, गेट को तोड़ दिया गया है और लाइटें पंखे जिसके हाथ में जो आया उन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। ये हालत देखिए, पूरा शीशा टूटा हुआ है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाएं, इस इमरजेंसी विभाग का ये भी हिस्सा जो है पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। जैसे जैसे हम अंदर दाखिल होते हैं
क्योंकि आपको बता दें मरीज पिछले कुछ दिनों से इतना सफर कर रहे थे डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से। ऐसे में जब धीरे धीरे सिचुएशन ठीक हो ही रही थी और जो डॉक्टर है उनकी जो है मांगे पूरी हो रही थी और हम ये आशा कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द इमरजेंसी और ओपीडी में ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, उसी के बीच आप देखिए यहाँ पर लाइट और पंखे की हालत आप देखिए, पंखा को भी बख्शा नहीं गया है। और ये देखिए ये एक नर्सिंग रूम है, नर्सिंग रूम का इतना सामान जो है वो तोड़ दिया गया है, रैक्स को उल्टा दिया गया है, फ्रिज को ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो है खत्म कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और हम जैसे जैसे आगे हम बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे, और ये विभाग आप देखिए इमरजेंसी ऑब्जर्वेशन वार्ड मेल, यहाँ पर मैं अंदर घुस कर आपको सिचुएशन बताना चाहूंगी। ये देखिए अब सीधा सा प्रश्न ये कि कोई भी भीड़ अचानक से आकर इमरजेंसी वार्ड को क्यों तोड़ेगी, उसका क्या मकसद हो? कोई रॉकेट साइंस है इसको समझने में? उसको क्या मिला इस इमरजेंसी वार्ड में तोड़ फोड़ करके?